जब इंदिरा जी की हत्या हुई थी तो हमारे देश में कुछ दंगे फसाद हुए। हमें मालूम है कि भारत की जनता के दिल में कितना क्रोध आया, कितना गुस्सा आया और कुछ दिन के लिए लोगों को लगा कि भारत हिल रहा है। लेकिन जब भी कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती थोड़ी हिलती है। ये शब्द कहे थे इंदिरा गांधी के बड़े बेटे और उत्तराधिकारी राजीव गांधी ने 19 नवंबर 1984 को बोट क्लब की एक रैली में। इसमें कोई जिक्र नहीं था उन हजारों सिखों का जो अनाथ और बेघर हो गए थे, बल्कि ये वक्तव्य उनके जख्मों में नमक छिड़कने जैसा था। और इससे ये संदेश गया मानो इन हत्याओं को सही ठहराने की कोशिश की जा रही हो। लेकिन सिर्फ इस भाषण के जरिए उनके पूरे राजनीतिक जीवन का आकलन करना क्या उनके साथ नाइंसाफी नहीं होगी? राजीव गांधी के जीवन काल में शायद उन्हें उतनी गंभीरता से नहीं लिया गया, लेकिन उनकी मौत के 29 साल बाद उनके राजनीतिक योगदान का पुनराकलन करना बनता है। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द लोटस ईयर्स पॉलिटिकल लाइफ इन इंडिया इन द टाइम्स ऑफ राजीव गांधी के लेखक अश्विनी भटनागर बताते हैं, जो फसल आज कट रही है उसके बीज वास्तव में राजीव गांधी के कार्यकाल के दौरान ही बोए गए थे। राम मंदिर, तलाक, फिर मंडल, कमंडल, ये सारी कोलेशन पॉलिटिक्स, ये सब चीज़ उसी ज़माने में शुरू हुई। मेजॉरिटिज्म, बहुमत का राज, हिंदू पॉलिटिक्स, ये सब 80 से लेकर 90 तक का जो दशक था उसी की देन है। पॉलिसीज में अगर देखिए, डिजिटल भारत, स्टैंड अप इंडिया, मेक इन इंडिया, टेलीकॉम, एवरीथिंग इज सीम्स लाइक अ ट्रू कॉपी, इफ आई कैन से सो, ऑफ द प्रोग्राम ऑफ एक्शन दैट राजीव इनिशिएटेड। रीपैकेज हो गया है लेकिन मूल मंत्र वही है। जब राजीव गांधी इंजीनियरिंग का ट्राइपोस कोर्स करने कैम्ब्रिज गए तो वहां 1965 में उनकी मुलाकात इटली में पैदा हुई सोनिया गांधी से हुई। एक ग्रीक रेस्तरां वर्सिटी में पहली बार उनकी नजर सोनिया गांधी पर पड़ी और उन्होंने रेस्तरां के मालिक चार्ल्स एंटोनी को सोनिया के नजदीक बैठवाने के लिए रिश्वत दी। वो भी दरिया दिल इंसान था, उसने कहा हाँ हाँ भाई बिल्कुल बैठाते हैं। हालांकि उसने थोड़ा चार्ज भी किया उस फैसिलिटी को देने के लिए। और जो उनका जो पूरा एक सिलसिला था, जो एक संबंध और बढ़ाने का सिलसिला था, वो अपने में एक बहुत ही रोमांटिक और सेंसिटिव किस्म का संबंध था। कहीं भी उसमें वो वाला जोश नहीं था जो कि अमूमन हम लोग देखते हैं। इट वॉज़ वेरी सरीन, वेरी काम, वेरी इंटेंस, वेरी पैशनेट एंड येट इफ आई से सो वेरी सोफिस्टिकेटेड। राजीव और सोनिया की कैम्ब्रिज की मुलाकातों का जिक्र रशीद किदवई ने सोनिया पर लिखी जीवनी में भी किया है। रशीद किदवई बताते हैं, वहाँ एक रेस्टोरेंट था, उसका नाम वर्सिटी अभी भी है, वर्सिटी नाम का रेस्टोरेंट है। तो वो वहाँ जाती थी, वहाँ उन्होंने देखा कि एक लड़कों का एक ग्रुप बैठा हुआ है, बाकी सब लोग तो थोड़ा मदिरा का भी सेवन कर रहे थे, वो मदिरा का सेवन भी नहीं कर रहा और वो इनकी तरफ देख रहा था, ये उनकी तरफ देख रही थी। एक तरीके का जो आपसी आकर्षण था वो था। और उसके बाद उन्होंने देखा कि उस लड़के ने एक जो नैपकिन होता है वो नैपकिन उठाया और उस पर एक पेन से एक कुछ लिखा और वेटर के जरिए इनको भेजा। और एक वो एक पोइम थी, एक कविता थी जो सोनिया गांधी की खूबसूरती के बारे में राजीव गांधी ने उसी समय लिखा। तो सोनिया गांधी को अटपटा लगा कि कौन है, मुझमें क्या रुचि है। इनकी एक जर्मन फ्रेंड थी जो राजीव गांधी को भी जानती थी, तो उसके संपर्क से ये एक दूसरे के संपर्क में आए। दिलचस्प बात यह है कि राजीव गांधी ने ये नहीं बताया कि वो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बेटे हैं। बहुत समय के बाद में एक अखबार में इंदिरा गांधी की तस्वीर छपी थी और जिसको राजीव गांधी ने बताया कि मेरी माँ है। तो उन्होंने, सोनिया ने वहाँ किसी हिंदुस्तानी स्टूडेंट से पूछा कैम्ब्रिज शहर में कि ये कौन है। तो उन्होंने कहा कि दिस इज़ इंदिरा। तो इतनी बड़ी बात, क्योंकि सोनिया गांधी बहुत इटली के साधारण परिवार से थी और उनको तब महसूस हुआ कि राजीव गांधी कितने महत्वपूर्ण परिवार से उनका संबंध है। राजीव
राजीव गांधी की अमिताभ बच्चन से तब से दोस्ती थी जब वो 4 साल के हुआ करते थे। अमिताभ बच्चन जब मुंबई में स्ट्रगल कर रहे थे तो राजीव गांधी उनसे मिलने मुंबई गए। अमिताभ उन्हें हास्य कलाकार महमूद से मिलवाने ले गए। उस जमाने में क्या हुआ कि जब अमिताभ बच्चन बंबई गए तो वो एक स्ट्रगलिंग एक्टर थे और महमूद बहुत ही एस्टैब्लिश आदमी थे और महमूद को हर चीज में शर्त लगाने का और दांव खेलने का बड़ा जोश था। कहते हैं कि घोड़े वगैरह का भी शौक था। कि एक दिन रात में अमिताभ बच्चन गए, अमिताभ बच्चन के पास राजीव गांधी आए तो अमिताभ बच्चन उनको ले गए। तो महमूद को उस वक्त इतना ज़्यादा इल्म नहीं था कि ये राजीव गांधी कौन है, कि इंदिरा गांधी के बेटे। तो उन्होंने देखा कि बड़ा ही खूबसूरत नौजवान आया, तो उन्होंने कहा कि साहब ये जो है ये आदमी जो है फिल्मों में बहुत चलेगा और मैं इस पर 1000 रुपये लगाने को तैयार हूँ। तो महमूद की बात आप देखिए बाद में सही निकली, क्योंकि राजीव गांधी फिल्म में नहीं गए लेकिन सियासत में तो वो सुपरस्टार बन के आए, प्राइम मिनिस्टर बने। संजय गांधी की मौत के बाद राजीव इंदिरा गांधी की मदद के लिए राजनीति में आए, लेकिन कुछ समय बाद इंदिरा गांधी की उनके अंगरक्षकों ने हत्या कर दी। उस समय राजीव गांधी पश्चिम बंगाल में थे। राजीव जिस विमान से दिल्ली लौटे उसमें दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित भी उनके साथ थी। राजीव जी ड्राइवर के पास गए कॉकपिट में और मुझे और दीक्षित जी को बुलाया इधर आओ, तो हम पीछे को गए उनके साथ में, तो वहाँ पर उन्होंने बताया कि वो नहीं रही हैं, पर बताइए नहीं अभी किसी को। लेकिन नेचुरली उनकी शक्ल बदल गई। राजीव जी ने पूछा कि क्या होता है अगर जो प्राइम मिनिस्टर ना रहे, तो प्रणब जी वगैरह सबका ये था कि भाई जो जिस तरह से पहले हुआ है उस तरह से सीनियर मोस्ट को कर देते हैं और फिर जैसा फैसला होगा। तो दीक्षित जी ने उनसे कहा कि ये बिल्कुल नहीं होने दीजिएगा, आपको हम बनाएंगे। मैंने शीला दीक्षित से पूछा कि क्या प्रणब मुखर्जी का सबसे वरिष्ठ मंत्री को प्रधानमंत्री बनाने की बात उनके खिलाफ गई? हाँ, थोड़ा बहुत तो खिलाफ गया, क्योंकि उसके बाद में उन्होंने पार्टी को भी छोड़ दिया और नेक्स्ट जो कैबिनेट बनी आफ्टर विनिंग इलेक्शन उसके बाद उसमें तो उनको रखा नहीं था। सबसे सीनियर मोस्ट और सबसे प्रिय और सबसे पॉपुलर तो वही थे, पर मेरा ख्याल है उनके मन में कोई ऐसी बात नहीं थी, उनके मन में ये था कि जो हुआ है उसी को रिपीट कर दिया जाए। प्रधानमंत्री बनने के बाद राजीव गांधी ने टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत काम किया। दल बदल कानून, 18 वर्ष के युवाओं को मताधिकार और भारत को एक क्षेत्रीय ताकत बनाने में राजीव की बड़ी भूमिका रही। शपथ लेते ही उन्होंने लगातार इतने सारे डिसीजंस लिए, चाहे वो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हो, चाहे वो एजुकेशन के क्षेत्र में हो, चाहे वो मेजॉरिटी पॉलिटिक्स के क्षेत्र में हो, चाहे वो पोल्यूशन को लेके हो, चाहे वो क्लीनिंग अप द पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में हो, चाहे उनकी जो पीच थी कांग्रेस सेंट्री सेलिब्रेशन में जिसमें उन्होंने प्रो पावर ब्रोकर्स की बात की, डिफेंस के बारे में बहुत सारे उन्होंने फैसले लिए। इनफैक्ट हम लोग सर्जिकल स्ट्राइक की आजकल बात करते हैं, बहुतों को ये बात नहीं मालूम है कि हिंदुस्तान ने जो सबसे बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक किया है वो यहाँ से 4000 किलोमीटर दूर और 10 घंटे के अंदर 3000 सैनिक आगरा से एयरलिफ्ट किए गए और मालदीव्स में जाकर उन्होंने स्ट्राइक किया। वहाँ के प्रेसिडेंट को डिपोज कर दिया गया था, वो छुपा छुपा घूम रहा था। सेशल्स में उन्होंने फिर से ऐसे किया। सैम पित्रोदा की मदद से भारत में जो संचार क्रांति आई उसका बहुत कुछ श्रेय राजीव गांधी को दिया जा सकता है। सैम पित्रोदा याद करते हैं। We clicked. I liked him very much, and he was very good to me. प्रेम से बात करते थे हमसे, हमारी बात समझे और हमसे दोस्ती हो गई। He provided the political will. CDOT, Center for Development of Telematics का आइडिया jointly हमने, राजीव ने और सब प्रोफेशनल लोगों ने बैठ के बिट्स एंड पीसेस में इकट्ठा किया, और उसके लिए हमें चाहिए 400 इंजीनियर्स, जगह, हार्डवेयर बेंगलोर में डिज़ाइन करना शुरू किया और यहाँ पे सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम्स। सो ऑफिस तो मिल नहीं रही थी यहाँ पे, सो फाइनली राज्य ने बोला कि आप जाइए एशियाड विलेज में। हम गए वहाँ, जगह बड़ी अच्छी थी लेकिन एयर कंडीशनिंग नहीं था। अब दिल्ली की गर्मी में एयर कंडीशन ना हो उस ज़माने में तो सॉफ्टवेयर काम तो नहीं हो सकता, बिकॉज हमें कंप्यूटर भी चाहिए, उससे भी हीट होगी। सो अकबर होटल में जगह खाली थी तो हमने होटल में 2 फ्लोर ले लिए, वहाँ से ऑफिस शुरू की। फर्नीचर तो था नहीं तो खटिया पे बैठ के काम करते थे 6 महीने तक।
क्योंकि 3 साल का प्रोजेक्ट था तो पहले दिन से झपाटे में काम शुरू करना जरूरी था। बहुत यंग लोगों को हायर किया, उनको ट्रेन किया, फिर पता चला कि सब लड़के हैं, लड़कियां नहीं हैं, तो फिर लड़कियों को लाया गया उसमें। राजीव गांधी के साथ काम करने वाले पूर्व कैबिनेट और रक्षा सचिव नरेश चंद्रा उन्हें बहुत अच्छा प्रशासक मानते थे, जबकि उन्हें प्रशासन का पहले कोई अनुभव नहीं था। राजीव गांधी यंग थे और सरप्राइजिंगली बहुत मेहनती थे, ये लोगों को पता नहीं है, और फाइलें बड़ी गौर से पढ़ते थे, और उनकी ड्राफ्टिंग जो थी वो सिविल सर्वेंट से बेटर थी, और मैं समझता हूँ कि अगर वो दोबारा आते तो और बहुत अच्छा करते हो, कुछ उनमें बॉन्ड लीडरशिप क्वालिटी थी। राजीव सुबह जल्दी उठते थे और देर रात तक काम करते थे। एक बार वो एक बैठक में भाग लेने हैदराबाद गए। उस समय आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एनटी रामा राव हुआ करते थे। राजीव को नजदीक से जानने वाले और बाद में मुख्य सूचना आयुक्त और अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष बने वजाहत हबीबुल्ला याद करते हैं। एनटी रामा राव के साथ वो तेलुगु गंगा की बात चली तो उस वक्त तक एनटी रामा राव और हुकूमत हिंद का कुछ इख्तिलाफ़ राय था इस तेलुगु गंगा पे के बारे में, लेकिन राजीव ख़ास तौर से वहाँ आए थे और जो सेक्रेटरी इरिगेशन थे उस वक्त वो हमारे साथ थे, वो उनसे बात करना चाहते थे कि किस तरह से इसमें समझौता हो जाए, मसला हल हो जाए। एनटी रामा राव जो थे वो 8 बजे सो जाने के आदि थे और राजीव जो थे वो 1-2 बजे तक जागे रहते, तो ये बैठे थे और मीटिंग उनकी हुई थी कोई 10 बजे के करीब। एनटी रामा राव जो थे उनको बेहद नींद आ रही थी तो वो बार बार सो जाते थे और राजीव कुछ कहते थे, फिर हम ऐसे करेंगे, फिर हम वैसे करेंगे, और फिर उनसे मुड़ के कहते थे, व्हाट डू यू थिंक मिस्टर रामा राव, तो वो बेचारे सो रहे थे तो फौरन ये आवाज़ सुन के कि व्हाट डू यू थिंक, वो जाते आई डू नॉट अग्री और फिर सो जाते थे। तो ये बात चलती रही काफ़ी देर, तो फिर 11 बजे के करीब मेरे ख्याल में मीटिंग ख़त्म हुई। तो अब वो उनके आए जो साथी थे मिस्टर राव को और उनके उठा के लेने लगे तो मिस्टर राव ने कहा कि बहुत तहजीब से कि थैंक यू सो मच सर फॉर स्टेइंग अप सो लेट फॉर दिस मीटिंग। तो ही सेड ओह इट्स स्टिल अर्ली, आई हैव गॉट प्लेंटी ऑफ टाइम टू वर्क, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। और वो कूदते फांदते सीढ़ियों पे चलते हुए राजभवन के ऊपर ऊपर के मंजिल पे जाके अपने कमरे में चले गए। वो सुबह बहुत जल्दी उठते थे और काम करते थे और रात के बहुत देर तक काम करते रहते थे। उसी दौरान राजीव गांधी एक बैठक के लिए लक्षद्वीप गए जहाँ वजाहत हबीबुल्ला प्रशासक हुआ करते थे। वो हेलीपैड की तरफ जा रहे थे और हम उनके साथ बैठे थे, जीप में चले जा रहे थे तो उधर किसी ने पॉइंट आउट किया कि देखिए वहाँ वो वेल्स हैं और वो फंस गए हैं पानी में, क्योंकि वहाँ लगूनस हैं और लगून में पानी कम होने में वो काफ़ी शैलो हो जाते हैं। तो यही हुआ था और वो वेल्स शायद गहराई में अंदर चले आए थे, अब वो बाहर नहीं निकल पा रहे थे तो बेचारे छप छप कर रहे थे वहाँ। तो राजीव ने गाड़ी कहीं रोको रोको और फिर उतर के सारे जूते पजामे सब समेत वो सीधे पानी के अंदर चले गए और मैं था अपना सूट बूट पहने हुए एडमिनिस्ट्रेटर प्रशासक, तो मैं कूदता फांदता जो रीफ के ऊपर था वो वहाँ पहुँचा तो बाकी लोग उनके साथ चले गए अंदर और फिर उन्होंने इन लोगों से नौजवान जो लक्षद्वीप के थे उनकी मदद से उस वेल को एक वेल को उठा के समुंदर में छोड़ दिया। राजीव का शायद पहला गलत कदम शाहबानो फैसले के बाद संसद में नया कानून बनाना था। बोफोर्स में मिली दलाली में उनका नाम आने पर उनकी छवि बहुत खराब हुई और वो 1989 का चुनाव हार गए। झूठ की पॉलिटिक्स बोफोर्स से शुरू हुई। विश्वनाथ प्रताप सिंह ने एक बहुत बड़ा झूठ बोला। He created the first ever fake news in Indian politics. And that fake news was कि मेरे हाथ में जो पर्ची है उसमें उस स्विस बैंक का अकाउंट नंबर लिखा हुआ है जिसमें बोफोर्स की दलाली जमा है। और उस झूठ की पॉलिटिक्स की वजह से कि बोफोर्स का मामला इतना बढ़ता गया कि बोफोर्स तो एक तरफ हो गया
राजीव गांधी चोर है का जो नारा है वो गली गली गूंजने लगा। किसी को नहीं मालूम फैक्ट क्या है, लेकिन वो फेक न्यूज़ इतनी ज़्यादा फैली, इतनी वायरल हुई आज के शब्दों में कि राजीव गांधी वॉज टेंटेड फॉर एवर। एंड आपको भी मालूम है, सबको मालूम है, फौज में निकला क्या, कोर्ट ने तो सब बरी कर दिया। आज तक ये नहीं हो पाया कि कितने पैसे लिए गए, किसको लिए गए, दिए गए वास्तव में दिए गए कि नहीं दिए गए।